नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। टी20 विश्व कप में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने हुए तो इस मैच में बेहद ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी की और उन्होंने बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी शुरुआत में की। जिस तरह से उनकी तरफ से असलंका खेले, इसके अलावा कुशल परेरा खेले, श्रीलंका की टीम मजबूत स्थिति में 10 ओवर तक दिख रही थी। हालांकि उसके बाद श्रीलंका की स्थिति थोड़ा डामाडोल दिखी, लेकिन इस मैच में एक ऐसा वाकया हुआ जो कि बेहद ही शानदार रहा। दरअसल ये वाकया है बदला लेने का, बदला इस बात का कि बल्लेबाज ने पहले छक्का लगाया और अगली गेंद पर गेंदबाज ने यॉर्कर लेंथ पर शानदार गेंद फेंकते हुए उसी बल्लेबाज को बोल्ड आउट कर पवेलियन की राह दिखा दी। ये पूरा वाकया हुआ जब ऑस्ट्रेलिया की पारी का, मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 11वां ओवर फेंकने आए मिचेल स्टार्क। हुआ यूं कि उस समय परेरा बल्लेबाजी कर रहे थे और 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर परेरा ने बेहद ही शानदार शॉट खेला और 82 मीटर का लंबा छक्का स्टार्क के खिलाफ जड़ दिया। हालांकि गेंद स्लॉट में थी, लेकिन स्टार्क के खिलाफ इस तरीके से छक्का लगाना एक बहादुरी वाला काम था। इसके बाद स्टार्क थोड़ा सा चिढ़े हुए नजर आए। उन्होंने अगली गेंद, जो कि तीसरी गेंद थी 11वें ओवर की, बेहद ही तेज और शानदार अंदाज में फेंकी यॉर्कर लेंथ पर और परेरा बोल्ड हो गए और इसके साथ ही उन्होंने एक ही गेंद के अंदर बदला ले लिया। इस वक्त श्रीलंका का स्कोर 86 रन था और तीसरे विकेट के रूप में कुशल परेरा आउट हो चुके थे। कुशल परेरा ने अपनी पारी में 25 गेंदों का सामना किया, 35 रन बनाए, 4 चौका और एक छक्का लगाया, उसी ओवर में आउट होने के पहले लगाया था। इसके अलावा इस मैच में स्टार्क ने बेहद ही शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने इस मैच में 2 विकेट लिए। इसके अलावा उन्होंने वरिंदु हसरंगा को 4 रनों पर वेट के हाथों आउट कराकर अपनी दूसरी सफलता हासिल की। इस पूरे मैच में जिस तरीके से गेंदबाजी मिचेल स्टार्क ने की, उन्होंने कुल 4 ओवर गेंदबाजी की, 27 रन खर्च किए और 2 शानदार सफलताएं अपनी टीम के लिए उन्होंने दिलाई हैं। तो ये कमबैक की कहानी थी, किस तरीके से 2 गेंदों पर स्टार्क और कुशल परेरा के बीच जंग देखने को मिली। एक बार कुशल परेरा जीते तो दूसरी बार स्टार्क। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। We'll be right back.